ये देखो जी। यार इधर चल दिया महावीरा। हाँ ये देखो जी, सर ले जी बिल्कुल दूध दूध पिलाओ देते जी, बिल्कुल सक्सेसफुल है। अच्छा अच्छा भाई पानी च मधाणी मारू हाँ हूं। देखो जी, अच्छा क्या बिल्कुल बात है बिल्कुल भाई, यार बिल्कुल। इधर चल दिया मधाणी भाई ने हाँ बनाई हुई। बिल्कुल इसी तरह बना रखी जो सेम टू सेम होता है ना मैं कह रहा भाई अपना। कड्डू पानी चो के आओ। हाँ, जी के अंदर ताजमहल बना जी मैंने, बल्लभ के अंदर ताजमहल बना ताजमहल बना दिया, दिया मैंने। अवार्ड मिला इसके ऊपर, हाँ ये जी, लिखा हुआ है अवार्ड है। हाँ ये क्या है ये इसके? जगता अच्छा भी है जी देखो। जलता भी है पक्का साथ में हाँ जी, बल्लभ। हाँ जी देखो जी, अच्छा ये है क्या बल्लभ के बात अंदर है यार। ताजमहल बना दिया और आपने। बल्लभ जल भी रहा हाँ है। लकड़ी से जी, लकड़ी का इसके अंदर ही कील वगैरह है, इसी के लिए मुझे अवार्ड मिला है जी। ये चरखा बना रखा जी गांधी जी का, ओ क्या बात है क्या बात है, इतना छोटा चरखा ये नाखून से भी छोटा जी, जी, ये देखो जी नाखून के साइज से भी छोटा। थोड़ा अंदर पीछे थोड़ा। अच्छा ये 9 mm का जी, इसके लिए ये इंडिया का सबसे छोटा ये नौ चरखा। ते रख रखा, नौ दे ऊपर चरखा रखी बैठा है। हाँ जी बिल्कुल छोटा चलता है जी ये भी। ये देखो जी, इस साइज का आपने लाइटर ही देखा होगा जी, हाँ जी हाँ जी। हमने गैस चूल्हा ही बना दिया जी, ये बिल्कुल लकड़ी से बना दिया छोटा छोटा। अच्छा हाँ क्या जी, बात है ये क्या छोटा बात है, ये भी ये लकड़ी बहुत से अच्छे, है। बिल्कुल हुबहू बना दिया आपने तो। हाँ जी, ये गैस चूल्हा ये छोटा जी, छोटे छोटे हाँ पार्ट बना रखे हैं। अच्छा इसके अंदर भी हमें लाइटर वाली गैस का इस्तेमाल करेंगे, इसको भी चलाएंगे जी। ऐसे बोतलों में मंजे भी डाल रखे हैं हाँ हाँ आपने, हाँ जी, दिखाता हूँ जी ये घूम के। मंजा अंदर ही बुना है बोतल के अंदर हाँ डाल अंदर ही के। बना है जी, अंदर ही इसके बुना है जी देखो, हाँ ये भी अंदर ही बना रखे जी। ये अच्छा बोतल के अंदर ही बना दिया आपने मंजा, हाँ जी, अंदर ही बना है जी इसके। इसको कैसे बनाया महावीर? ये देखो जी, ये तो कलाकारी है जी। कितना टाइम लगा भाई इसको बनाने में? इसमें भी 3-4 दिन लगे थे जी अच्छा बनाने में, तो भाई एक दिन बना दिया जी, इसके बुनने में ज़्यादा टाइम लग गया था जी। बुनने में टाइम लगता हाँ है। लो भी दोस्तों, महावीर वीर ने बहुत सारा ऐसा सामान है जेड़ा उरे तैयार करे है, जिवें कि चक्कियां देख रहे हो, पखे देख रहे हो, कूलर देख रहे हो, छोटा छोटा सामान है। बंदा सोच भी नहीं सकता कि बंदा है इन्ने छोटे साइज दे विच तैयार कर सकता। तो भाई ना गलबात करते हैं, की नाम है वीरे अपना? महावीर पेंटर नाम है जी। तो ये जो सामान है बिल्कुल छोटा छोटा सामान तैयार किया हुआ है आपने, हाँ जी, क्या क्या है इसमें थोड़ा बताओ डिटेल से। ये सूक्ष्म कलाकारी बोलते हैं जिनको हैं, शॉर्ट जी। हैं, सबसे पहले मैं आपको ये हुक्का दिखाना चाहता हूँ जी। हैं, आपने हुक्का बड़े साइज का देखा हुआ, हैं। लेकिन आपने हरियाणा की धरोहर है, ये हुक्का छोटा हुक्का बनाया जी लकड़ी से। अच्छा हाँ ये काम करता है उक्का? हाँ ये वैसे वही बात है जी, काम तो बड़ा ही करेगा जी, छोटा नमूना बना हाँ रखा है जी। नमूना बना नमूना रखा बना, है। हाँ, जैसे सेम टू सेम बनाने की कोशिश करी, लकड़ी की तरह बना रखी सेम है। टू सेम ठीक बना है, रखा है, बिल्कुल सेम बना रखा है, हाँ बिल्कुल जी। सेम बना रखा है। ठीक और ये है, अपना जी गदर फिल्म वाला नलका बना रखे जी, सनी देओल वाला। सनी देओल वाला, ये सनी देओल ने पाड़ा था हाँ वह, वहाँ से मैं मेरे को गिफ्ट दे दिया जी अच्छा आपको, वहाँ मैं ये नलका हमको दे दे, बाद दूसरी फिल्म हमारी गदर माँ कभी किसी को और मार और मार दे। ठीक दे है इसके अलावा? ये बिल्कुल सूक्ष्म कलाकारी जी, चरखा बना रखा जी गांधी जी का, ओ क्या बात है क्या बात है, इतना छोटा चरखा ये नाखून से भी छोटा जी, जी, ये देखो जी नाखून के साइज से भी थोड़ा छोटा। अंदर पीछे थोड़ा। अच्छा ये 9 mm का जी, इसके लिए ये इंडिया का सबसे छोटा ये नौ चरखा। ते रख रखा, नौ दे ऊपर चरखा रखी बैठा है। हाँ जी बिल्कुल छोटा चलता है जी ये भी। अच्छा हाँ बिल्कुल बारीक से देखो जी, ये ठीक माचिस की है तीली से बना जी। ठीक है ठीक है भाई। ठीक है। अच्छा माचिस दी तीली तो बनाता चरखा हाँ जी, गांधी वाला, हाँ जी, ये छोटा पराठा पराठा बना रखा जी, पंखा बोलते ये जी। चलता, ये तो चल रहा है, हाँ जी चल रहा है जी, थोड़ा पीछे थोड़ा। ठीक है हाँ, देखो चल रहा है। ठीक है ये तो चल रहा है। हाँ गर्मियों के लिए बिल्कुल फायदेमंद, हाँ जैसे कान्हा जी का पालना बनाते हैं ना, हाँ उसके लिए शॉर्ट पंखा मांगते हैं, उसके लिए ये छोटा पंखा बना रखे जी। अच्छा हाँ ठीक है इसके अलावा? उसके लिए भी ये भी कूलर बना रखे जी। अच्छा एक कूलर बना दिया छोटा, हाँ बिल्कुल ये भी चल रहा है ये तो। ये हाँ ये चल रहा है जी। ठीक है काम कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है जी, तो ठीक है इसके अलावा इसके अलावा जी ये चक्की बना रखी जी अपनी, कृष्णा चक्की बोलते हैं। आटा चक्की बना हाँ दिया हाँ आटा आपने, चक्की है, ये भी चलती है जी। चलती है हाँ जी, दाने पीसती है। हाँ दाने के लिए तो इसका थोड़ा काम बाकी है जी, वो भी करेंगे, हाँ लेकिन अभी तो इसका पटा उतरा हुआ जी। अच्छा बिल्कुल हाँ सेम बना रखी है। जी, लकड़ी लोहे से बना रखी जी। ठीक है, और जी और ये काफी सारे अवार्ड भी मिल रखे हैं हाँ ये आपको, अवार्ड मिला जी। सम्मानित किया हुआ है। हाँ जी, हाँ ये अवार्ड किसके लिए मिला हुआ है आपको? ये इंडिया बुक है, ये बल्लभ के अंदर ताजमहल बना जी मैंने, बल्लभ के अंदर ताजमहल बना ताजमहल बना दिया, दिया है। अवार्ड हाँ मिला इसके ऊपर, ये जी, लिखा हुआ है अवार्ड है। हाँ ये क्या है ये इसके? जगता भी है जी देखो। अच्छा जलता भी है पक्का साथ में हाँ देख, बल्लभ। हाँ जी देखो जी, अच्छा ये है क्या बल्लभ बात के है अंदर क्या बात ताजमहल बना दिया है। और आपने, बल्लभ जल भी रहा हाँ है। लकड़ी से जी, हाँ लकड़ी का इसके अंदर ही कील वगैरह है, इसी के लिए मुझे अवार्ड मिला है जी। ठीक है। जैसे अच्छा आप नेट पे सर्च करो गूगल पे मिनेचर ताजमहल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन इंडिया, तो हाँ उसमें मेरी पूरी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, महावीर जांगड़ा,
हिसार हरियाणा से, उसने 2012-13 में ये बल्लभ चंद्र ताजमहल बना था। अच्छा 2012-13 में ही बना दिया था। हाँ, ये स्टार्टिंग से ही ये बनाया कैसे, क्या तरीका क्या है बनाने का, कैसे ताजमहल कैसे डाला जाए अंदर वालों के अंदर बना के कैसे ये लकड़ी से पे, लकड़ी के छोटे छोटे पीस अंदर डाल के इसके अंदर ही बनाया जी। वो कैसे बना ये पहले यहाँ से ही निकाल के जिसको जैसे आंख वगैरह होती है उसके बाद फिर ये फिट किया ये देखो जी यहाँ से। अच्छा इसके अंदर बड़ा, बड़ा मुश्किल से बनाया होगा। हाँ 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 जी बड़ी मुश्किल है, चार बल्ब फूट गए थे, पांचवें में सफलता हासिल हुई थी। अच्छा ये भी आपने बताया था कि ये भी कोई पत्रकार फूट गया बल्ब को। हाँ हाँ ये एक साइड से थोड़ा ये क्रैक सा हो गया था, गिर गया था उससे। अच्छा। क्योंकि मेरे पास 60 टीम आ चुकी जी मीडिया की। अच्छा। करीबन 3-4 करोड़ पब्लिक में फेस वैल्यू हो चुकी जी। वेरी गुड। और आगे क्या सामान है आगे, जी मैंने देख रहा हूँ जैसे बोतलों में मंजे भी डाल रखे हैं। हाँ जी दिखाता हूँ जी, ये मंजा अंदर ही बुना है बोतल के अंदर। अंदर ही बुना है जी, अंदर इसके बुना है जी देखो। हाँ। ये भी अंदर ही बना रखे जी, बोतल के अंदर ही बना दिया आपने। हाँ, हाँ, अंदर ही बना जी इसके। इसको कैसे बनाया महावीर? ये देखो ये तो कलाकारी है जी। कितना टाइम लगा भाई इसको बनाने में? इसमें भी 3-4 दिन लगे थे जी। अच्छा बनाने में तो एक दिन बना दिया जी, इसके बुनने में ज्यादा टाइम लगा था जी। बुनने में टाइम लगा था 3 दिन लगे थे बुनने। और इसके अलावा क्या है भाई? इसके अलावा जी एक बोतल में ताजमहल देख रहा हूं। ताजमहल इससे पहले बोतल के अंदर ताजमहल बना था जी। हाँ। लेकिन कई लोगों का मानना था जी कि बोतल की तली वगैरह निकाल देते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बोतल की कोई तली वगैरह निकाली जाती। हाँ। क्योंकि ये सारी अपनी मेहनत से बनाई, जैसे इसके 3 पोर्शन 3 फट्टी वगैरह है। हाँ। ये इसके अंदर एक पीस यहाँ से डाला, दूसरा पीस डाला, तीनों पीसों को डाल के पहले इसका बेस तैयार किया, इसके अंदर कील वगैरह मारी। हाँ। फिर इसका बीच वाला पोर्शन है वे बना, 4 पार्ट इसके हैं, 1 पार्ट उसकी। अच्छा 4 × 3 = 8 × 4 = 12 पीसों के साथ ये बड़ी मेहनत लगी है। बड़ी मेहनत, हाँ इसमें 1 हफ्ता लग गया था जी। ठीक है। और लोग बोलते हैं कि थल्ला निकाल के बना दिया। हाँ थल्ला नहीं जी, क्योंकि यहाँ से आपने फिर दिखाया कि मैं बल्ब के अंदर भी बना हूँ। उन्हों का मानना था जी बोतल की तली वगैरह निकाल देते हैं, लेकिन वो लोगों की बात को हजम करने के लिए मैंने इसके अंदर फिर ये बना दी। आगे मैंने उनको दिखा कि इसकी कोई तली वगैरह नहीं निकाली जा सकती। तभी इसी बात से मुझे इंडिया बुक अवार्ड से सम्मानित भी किया गया जी। अच्छा आपको सम्मानित किया, जब सम्मानित किया कोई इनाम वगैरह भी मिला? नहीं इनाम वगैरह तो नहीं जी, लेकिन अवार्ड अवार्ड आया है जी अभी। लेकिन अवार्ड से पेट तो नहीं भरता? अवार्ड से पेट तो नहीं भरता जी, क्योंकि अवार्ड घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। ये देखो जी साइज का आपने लाइटर ही देखा होगा जी। हाँ जी, हाँ जी हमने गैस चूल्हा ही बना दिया जी, ये बिल्कुल लकड़ी से बना दिया छोटा छोटा। अच्छा हाँ, ये छोटा ये लकड़ी से है, बिल्कुल हूबहू बना दिया आपने। हाँ जी ये गैस चूल्हा ये छोटा जी, छोटे छोटे पार्ट बना रखे है। हाँ। इसके अंदर भी हमें लाइटर वाली गैस का इस्तेमाल करेंगे, इसको भी चलाएंगे जी। अच्छा चलेगा ये? हाँ चलेगा जी। ये देखो जी यार चल दिया महावीर। हाँ ये देखो जी चल ले जी, बिल्कुल दूध दूध बिलो देते जी बिल्कुल। अच्छा भाई पानी चमदानी मारू हूं देखो जी। अच्छा बिल्कुल इसी तरह बना रखी जो सेम टू सेम होता है ना। मैं भाई कटू पानी जो क्या हो। हाँ हाँ जी हाँ जी क्या बात है महावीर, बहुत अच्छा। अच्छा ये भी जुगाड़। अच्छा महावीर करते क्या हो तुम, काम क्या करते हो? काम तो जी ऑलराउंडर कलाकार हूँ जी, करीबन 6-7 काम कर लेता हूँ जी। क्या क्या काम? वैसे पहला काम तो मेरा पेंटर का था जी, महावीर पेंटर के नाम से पड़ा था। ठीक है जी। महावीर पेंटर है तो उसके साथ काम मतलब कि पेंट का करते थे आप? हाँ पेंटिंग का, स्कूलों के अंदर चित्रकारी वगैरह। हाँ, हाँ। जैसे आपका पोर्ट्रेट बनाना, फोटो वगैरह बनाना, वो सेम टू सेम बना देता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी 8 घंटे तक बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे बना, जिस पोजीशन में आप बैठे हो। हाँ। उसी तरह बना देता हूँ जी। अच्छा जी क्या बात है यार। तो अभी क्या काम करते हो? यही काम करते हो? साथ में जॉब भी लगा हूँ जी। जॉब किस चीज की? एनिमल हॉस्पिटल में जी मैं। सरकारी हो? हाँ सरकारी जी, एनिमल हॉस्पिटल में। हाँ हाँ जी, उसी प्रगम चौकीदार की पोस्ट है जी। ठीक है ठीक है। अपने इस काम की वजह से वहाँ जॉब पे भी लोग जानने लगे हो ज्यादा, जो बड़े साहब हैं वो? हाँ सभी जानते हैं जी, आस पास के यहाँ पर नाम लिखा हुआ जी साथ में। तो महावीर जी जाते जाते थोड़ा नाम बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं? नाम महावीर पेंटर है जी, गांव सीसर है, तहसील हांसी है, जिला हिसार से जी, हरियाणा से जी। हरियाणा सीसर गांव से। हाँ, और मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। महावीर पेंटर सीसर के नाम से जी अपना यूट्यूब चैनल है जी, यूट्यूब पे महावीर पेंटर सीसर आप सब्सक्राइब भी करो, और उसमें ज्यादा कलाकारी उसमें फुल डिटेल भी दिख जाएगी आपको। और मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 98131-92056 9813192056 मेरा मोबाइल नंबर है जी। हाँ दोस्तों ए सी भाई महावीर। हाँ। वीडियो बढ़िया लगी हो लाइक शेयर कर दियो, धन्यवाद, रब रखा।